हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जिनका भी एग्ज़ाम IBPS PO प्रीलिम्स का 19 अक्टूबर है, उनके लिए ये एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी और लास्ट मिनट टिप्स का वीडियो है। सो, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। इंग्लिश का 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन 20 मिनट में, रीजनिंग में 35-20 मिनट में। बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि एग्ज़ाम में कौन सा पार्ट किसके बाद आ रहा है। तो मेरा जो एग्ज़ाम वो 12 अक्टूबर को था। इंग्लिश के बाद आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेज ओपन हुआ था, उसके बाद रीजनिंग का हुआ। सो, मैं इंग्लिश का आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे। सबसे पहले जो एवरेज स्टूडेंट है, मैं उन लोग के लिए बता रही हूँ, आप RC को करिए। RC क्या है, आपको उसे पढ़ के ही करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, तो आपके ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा कि आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले में ही अगर आप एरर के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आप डीमोरलाइज हो जाएंगे, तो आप पहले एरर के क्वेश्चन सॉल्व मत करिए। उसके बाद फिर आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करिए। क्लोज टेस्ट के बाद आप अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है तो वो करिए। उसके बाद फिर आप एरर कर सकते हैं। एरर के बाद फिर आप वकैब बेस्ड जो क्वेश्चन है जो 12 अक्टूबर को आए थे वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके आप 20-25 क्वेश्चन इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप आराम, इंग्लिश सेक्शन के बाद आपका क्वांट का विंडो ओपन होगा। तो इसमें क्या करना है, मैं ये बिलो एवरेज और एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ। आप सबसे पहले 45 सेकंड या 35 सेकंड आपको लगेगा, पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, पूरे क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या आप उससे बना सकते हैं। तो आप जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, मैं लोग बता रही, कभी भी आप सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, ना ही मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज से कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। आप स्टार्ट करिए DI या फिर अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, ये दोनों बहुत ही ईजी टॉपिक होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है उससे स्टार्ट, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप मिसिंग नंबर से स्टार्ट करेंगे तो चलिए एक क्वेश्चन तो आपका इजी बन जाएगा, दूसरा आप पैटर्न खोजने लगेंगे, फिर वो पैटर्न खोजने में आपका टाइम कंज्यूम होगा, फिर आप पैनिक करने लगेंगे। तो आप इससे स्टार्ट मत करिए। तो अगर DI दिया है, 2 या 3 DI दिया है, उसमें से एक DI तो बहुत ही सिंपल होता है, तो आप वो पहले कर लीजिए, एक दो को रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए, फिर दूसरा क्वाड्रेटिक देख लीजिए। यहाँ से आपके 10 मार्क के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 7 मिनट में, 10 मार्क के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप आइए अप्रॉक्स में, फिर सिंप्लीफिकेशन में, फिर मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज, ये देख लीजिएगा आप मिसिंग नंबर सीरीज, इस पे आइए। फिर आपका अगर DI बचा है तो आप वो करिए। उसके बाद लास्ट में आप आइए अरिथमेटिक में, और अरिथमेटिक में आप कौन से क्वेश्चन करेंगे ये भी देखिए। देखिए अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे जो ईजी रहते हैं, आप वो कर लीजिए, यहाँ से आप एक मार्क कर लेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का करिए, प्रॉफिट एंड लॉस के 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं, ये कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अगर आपके क्वेश्चन आए होंगे SI और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्वेश्चन देखिए, ठीक, ये तीनों क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से 3-4 मार्क्स आप ले सकते हैं। तो पहले आपने 10 बनाया, फिर 3-4 कितना हो गया, 14 मार्क्स आप यहाँ से ले लिए, फिर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन चलो आपका 5 बना, तो कितना हुआ आपका 22 क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं 20 मिनट में, जो बिलो एवरेज वाले बच्चे, मैं उनके लिए बता रही हूँ, या एवरेज बच्चों से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी आप पहले पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपके 35 या 45 सेकेंड ही वेस्ट होंगे, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। और कभी भी पजल से स्टार्ट नहीं करेंगे आप, कोई भी स्टूडेंट पजल से स्टार्ट आप बिल्कुल भी मत करिए। आप स्टार्ट करिएगा जैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनइक्वालिटी ये कर लीजिए, 4 या 5 दिए होंगे ये कर लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो आपको दिए होंगे ये करिए, ये क्वेश्चन आप कर ही लीजिए, यहाँ से आपके 10-12 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। शायद 5 या 6 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा आपको यहाँ लगेगा नहीं। उसके बाद आप आइए ब्लड रिलेशन, क्योंकि ये भी थोड़े मॉडरेट रहते हैं, मैंने 12 अक्टूबर को जो पेपर था उसमें देखा था। फिर डायरेक्शन ये करिए, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन आपके यहाँ से
6 मार्क्स के कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी आपका चलो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट ले लिया, ये 4 मिनट ले लिया, पहले 5 मिनट हो गया था, ये 4 मिनट ले लिया, ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब सिलॉजिज्म के क्वेश्चन करिए, ओनली फ्यू वाले ये 3 या 4 आ रहे हैं, इसमें से 2 तो आप कर ही लेंगे, तो आप ये 2 कर लीजिएगा। बाद आप आइए पज़ल में, और पज़ल में भी आप क्या करेंगे, पज़ल में आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, अगर सिटिंग अरेंजमेंट है सर्कुलर, तो 8 पर्सन वाले या 8 पर्सन वाले या 6 पर्सन वाले ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर अननोन पज़ल है वो आप बिल्कुल मत करिए, अगर आपको पज़ल में प्रॉब्लम है तो, इससे आपके सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आप फिर आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो ये तो करिए ही मत। उसके बाद जो शेड्यूल बेस्ड पज़ल, ईयर बेस्ड पज़ल होते हैं, ईयर बेस्ड पज़ल ये करिए, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपसे बनता है तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, नहीं तो आप इसको लास्ट में ही छोड़ दीजिए। उसके पहले जो ऑर्डर रैंकिंग का हाइट वाले जो क्वेश्चन आते, जो हाइट वाले क्वेश्चन रहते हैं वो ईजी रहते हैं, हाइट या वेट वाले, वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे 20 मिनट्स में। तो ओवरऑल आप 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे अपने IBPS PO के एग्ज़ाम में। लास्ट मिनट टिप मैं ये दे कि जैसे आज 14 अक्टूबर है, तो आप 14 से लेके 17 तक आप एक एक मॉक दे दीजिए रोज़, और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आपको कोई क्वेश्चन लेट में बनता है, जैसे पज़ल के क्वेश्चन है, तो आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ये कर सकते हैं। पर आप 18 अक्टूबर को कोई भी मॉक मत दीजिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप 18 को मॉक देंगे और आपके मार्क्स लेस आए मॉक में, तो आप डीमोरलाइज हो जाएंगे कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, एग्ज़ाम में पता नहीं क्या होगा, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आपने जो पढ़ा है उसी से आएगा, तो आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, आप रिलैक्स रहिए, किसी भी तरीके का कोई टेंशन मत लीजिए। और एग्ज़ाम में आप एडमिट कार्ड पहले से देख लीजिए, आपके एडमिट कार्ड उसमें फ़ोटो है कि नहीं ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों फ़ोटो ले जाना भूल जाते हैं, तो आपने जो एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगाया वही फ़ोटो आप निकलवा लीजिए और उसको अच्छे से रख लीजिए, फ़ोटो ले जाइए, फ़ोटोकॉपी ले जाइए एडमिट आपके आधार कार्ड के, वोटर आईडी कार्ड के, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई भी प्रॉब्लम मत हो। और जैसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा उन्हें अजीब सा लगने लगता है, अनकॉन्शियस लगने लगता है, तो मैं उनको एक सजेस्ट करती हूँ कि आप टॉफ़ी या चॉकलेट लेके रखिए, ये मैं खुद करती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप चॉकलेट या टॉफ़ी लेके रखिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ये चॉकलेट या टॉफ़ी खा लीजिए, इससे क्या है आपको थोड़ा एनर्जी मिलेगा और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और आप अच्छे से हाइड्रेट रहिए। और बहुत लोग एग्ज़ाम के पहले बहुत कुछ खा लेते हैं, तो आप अभी अपना खाना एकदम लाइट रखिए ताकि आपको बीमार नहीं पड़ना है। बहुत लोगों को फीवर हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, सर दुखने लगता है, तो आप रिलैक्स रहिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपने जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।